बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको मैं गोवत्स द्वादशी के बारे में बताऊंगी। गोवत्स द्वादशी गाय बछड़े की पूजा को के लिए बताई गई है। गाय और बछड़े की इस दिन पूजा होती है और गाय बछड़े के गाय को हम अपनी माता के स्वरूप में मानते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और इनकी कितनी गाय की कितनी महत्ता है हम लोगों के जीवन में, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो व्रत है गोवत्स द्वादशी, उस दिन गाय और बछड़े की पूजा के लिए जो भी हम सामग्री निकालते हैं पूजन विधि के लिए, तो वह मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले तो एक थाल में या जो सूप होता है, आपने देखा होगा सूप जो पूजा में यूज़ करते हैं, या फिर जो शादी कामकाज में जो यूज़ करते हैं सूप, उसमें हम अपनी ये सामग्री रख सकते हैं, या फिर आप एक थाली में भी रख सकते हो। तो ये एक थाल में सबसे पहले आपको एक लोटा जल रखना है और एक दीपक बना के रखना है, और गाय के भोजन के लिए आटे की लोई जिसमें कि देसी घी और गुड़ अंदर लगा हुआ हो, और बछड़े के लिए छोटी लोई और दो जगह आटे के छोटे छोटे से ढेर, और गेहूं और चने की दाल। ये तो हो गया इनके भोग, इनके लिए भोग का सामान। अब मैं बताना चाहूँगी कि सेंदूर लेंगे हम गौ माता के लिए, और बछड़े के लिए लेना होता है रुचना, चूना और हल्दी को मिक्स करके जो तैयार होता है उसको हम रुचना कहते हैं। तो ये रुचना हो गया और अक्षत हो गए गाय के बछड़े के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद में हम वस्त्र लेंगे गाय पे उड़ाने के लिए। अगर हमारे पास वस्त्र नहीं भी है या हमारे तथा नहीं है लेने की, या तो आप एक कलावा जो मौली कहते हैं जिसको, वो मौली ले सकते हो। कपड़े के वस्त्र के रूप में आप मौली भी उनको अर्पण कर सकती हो गौ माता को। तो ये मौली ले लिया, और इसके बाद में आपने सबसे पहले मानसिक या आप लोटे से जल छिड़क के, और गौ माता को आप अब मानसिक पवित्र कीजिए, नहलाइए, स्नान कराइए, और बछड़े को भी। उसके बाद में फूल माला लीजिए, उनको फूल माला चढ़ाइए, और बछड़े को भी फूल माला चढ़ाइए। फिर वस्त्र पहनाइए, और अगर वस्त्र नहीं है तो आप मौली का धागा उनको ऐसे मानसिक चढ़ाइए कि वो हम वस्त्र पहना रहे हैं, और बछड़े को भी मौली का एक धागा चढ़ाइए। उसके बाद में फिर आप गाय को सेंदूर लगाइए और बछड़े को रुचना जो कि हल्दी और चूने से बनाया गया है, उसको लगाने के बाद में हम अक्षत लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद में जब हम फिर जो दीपक लेके आए हैं उससे हम गाय की और बछड़े की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद में फिर हम जो उनके लिए नवैद यानी कि भोग के ले लाए हैं, तो वो सामग्री एक बड़ी लोई जो है इसके अंदर गुड़ और घी रखा हुआ था, वो एक गाय को देंगे, और छोटी वाली लोई, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो हजम, लोई कच्ची आटे की होती है तो वो हजम नहीं कर पाएगा, तो जितनी ज़्यादा छोटी हो सकती है सगुन के तौर पे आप उसको तैयार कर लीजिए, वो बछड़े को आप दे दीजिए। वो भोग गया, उसके बाद थोड़ा सा चने की दाल खिला दीजिए और गाय को पूरा सामग्री खिला दीजिए। फिर उनको फिर मानसिक जल अर्पण कीजिए। फिर उसके बाद में अगर आपके पास कोई पात्र है तो आप उसमें भी पानी डाल सकते हो, पानी पिला सकते हो। उसके बाद में जब पूजा आपने पूरी कर ली, फिर आचमन करा के फिर आप गाय के कान में आके बोलते हैं कि हे गौ माँ, हे गाय माँ, आप तो इतनी ज़्यादा महान हो, पूरे सभी लोग आपकी महानता के बारे में जानते हैं, आप पूजनीय हो, जैसे कि आप अपने बच्चे को बहुत बढ़िया, मतलब आप अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, वैसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करें, दीर्घायुवान और तेजस्वी बनाएं। इस तरह से आप कान में धीरे से कहेंगी। अगर वो मारने वाली सींग मारने वाली गाय है तो मानसिक रूप से कह दीजिए, मानसिक से तो बहुत दूर दूर तक सारी अपनी बातें पहुंच जाती हैं। भगवान तो उनमें भी तो 33 करोड़ देवी देवता, तो भगवान इसमें गाय में भी होते हैं, तो साक्षात आप मानसिक रूप से अभी कह सकती हो। जरूरी नहीं कि उनके कान में आप जाके कहो, मानसिक कहोगी तो आपकी प्रार्थना वहाँ तक, भगवान तक जरूर पहुँचेगी।
तो ये तो हो गई आपकी गाय की पूजा। अब उसके बाद में हम कान्हा जी के पास में आते हैं। फिर जो पूजा के बाद गाय की पूजा, क्योंकि गोवत्स द्वादशी है, उस दिन सबसे पहले गाय की पूजा करने के बाद में बछड़े की, इसके बाद कान्हा जी की विधि विधान से, जैसे जो भी आप रेगुलरली करते हो वो करेंगे। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन खिला के, और ब्राह्मणों को भोजन कराना तो जरूरी है, उसके साथ में दक्षिणा भी कुछ ना कुछ, चाहे 1 रुपये 11 रुपये जो भी आपकी तथा हो, जितना भी आपका सामर्थ्य हो वो आप दे सकती हो, आप वो दे दो। उसके बाद में फिर आप भोजन कर सकती हैं। और भोजन में हमको गाय का दूध नहीं लेना होता है, और गाय के दूध से जो भी निर्मित मिठाइयाँ हैं वो हमको नहीं लेनी होती हैं। और कई लोग कटे हुए, चाकू से कटे हुए फल, सब्जी वगैरह ये भी नहीं खाते हैं। और खाने के लिए मूंग की दाल से बना हुआ सामान, चने से यानी बेसन से बना हुआ सामान, और उड़द से बना हुआ सामान हम खा सकते हैं। इसके बाद में सुबह से शाम तक आप जो भी चाहो बना के खा सकते हो, क्योंकि हम लोगों के घर में मेरी सासू माँ ने ये बताया था। और जैसा आपके खाने के हिसाब से जो आपके घर में बताया हो आपकी सासू माँ ने, वो आप खा लेना। और अगर ये जो वीडियो आपको पसंद आया हो हमारी पूजा की विधि, तो ज़रूर लाइक करिए। और अब क्या बताएं आपको कि बहुत आपका टाइम लंबा ले लेते हैं, इसलिए सॉरी। और दीपावली आने वाली है, आप लोग भी बहुत सारी ढेर सारी तैयारियां कर रहे होंगे, तो हैप्पी दीपावली। बाय बाय बाय।